चैप्टर नंबर 8 हम लोग देखते हैं समाकलनों के अनुप्रयोग, आपका क्लास 12th मैथ्स में, यानी समाकलन का अनुप्रयोग यानी समाकलन का यूज हम लोग कहां पे करते हैं। तो बेसिकली इसका यूज जो समाकलन का किया जाता है, मेन रूप से जो यहां पे जो हम लोग देखेंगे वो क्षेत्रफल निकालने में किया जाएगा। और क्षेत्रफल कैसा, जो वक्रों से संबंधित क्षेत्रफल, क्योंकि जो सिंपल, देखिए आपको सिंपल जो चीजें होती हैं जैसे आयत हो गया, वर्ग हो गया, आयत हो गया आपका, वर्ग हो गया, या समचतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज या त्रिभुज या वृत्त, इन सब का क्षेत्रफल निकालना आपको फार्मूला पता है। जैसे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, त्रिभुज का क्षेत्रफल भी आपका होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, और अगर वृत्त की त्रिज्या आर है तो इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो जो कुछ सिंपल फिगर जो होते हैं उनके क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेते हैं, और क्षेत्रफल का फार्मूला इनका सिंपली डेवलप हो जाता है। और क्षेत्रफल का यूनिट क्या होता है, क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है कि ये हम लोग एक एक यूनिट भुजा का एक स्क्वायर माने, तो इसका क्षेत्रफल हम लोग अगर एक सेंटीमीटर है तो एक सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल होता है। तो अगर किसी का क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक एक सेंटीमीटर के 10 वर्ग आपके रखे जा सकते हैं, एक सेंटीमीटर भुजा के 10 वर्ग रखे जा सकते हैं, तो ऐसा फार्मूला डेवलप हो जाता है। लेकिन अगर आपका ऐसे ही कोई अलग सा फिगर दे दिया जाए, आपका इस टाइप का फिगर जैसे ये दे दिया जाए या कुछ भी ऐसे जिसमें वक्र चीजें आ रही, वक्राकार फिगर हो, तो ये क्षेत्रफल आपका पूछा जाए, ये क्षेत्रफल कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो ये आप बता पाने में अभी तक जो आपने पढ़ा है 10th तक का मैथ्स, इसमें इस टाइप का क्षेत्रफल आप किसी भी कीमत पे निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि कोई भी फिगर आपका इसमें वो नहीं बनेगा जिनका क्षेत्रफल आपको पता है, जैसे वर्ग, चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, त्रिभुज, ये सब नहीं बन रहा है, तो इसका क्षेत्रफल नहीं निकल पाएगा। तो हम लोग देखिए अब इंटीग्रल की मदद से देखिए इस टाइप के वक्राकार क्षेत्रफल को भी कैसे निकाल लेते हैं, यही हमारा देखना है। तो पहला हेडिंग हमारा होगा कि साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल, जो सिंपल जो वक्र होंगे उसके अंतर्गत जो क्षेत्रफल बनेगा वो कैसे निकालेंगे। साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल, एरिया अंडर सिंपल कर्व्स, एरिया अंडर सिंपल कर्व्स। तो जब डिफिनिट इंटीग्रल हम लोगों ने देखा था, निश्चित समाकलन, तो निश्चित समाकलन में देखिए हम लोगों ने क्या क्या देखा था कि अगर निश्चित समाकलन में हम लोगों ने देखा था कि अगर हमारा ये कोई वक्र है y इक्वल टू एफ एक्स, यानी इस वक्र का जो समीकरण है y इक्वल टू एफ एक्स, और ये x एक्सिस है और y एक्सिस है, ये ओरिजिन आपका हो गया, और ये वक्र y इक्वल टू एफ एक्स यानी जो कर्व है इसका समीकरण जो दिया है y इक्वल टू एफ एक्स इसका दिया हुआ है। तो और ये हमारा जो है कोई पॉइंट है a, x इक्वल टू क्या है इस पॉइंट पे a, और ये हमारा क्या है b, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग x इक्वल टू a, और इसको बोलते हैं x इक्वल टू b लाइन, x इक्वल टू a लाइन हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग x इक्वल टू a रेखा x इक्वल टू ए, और इसको क्या बोलते हैं रेखा x इक्वल टू बी, क्योंकि इस सारे पॉइंट पे किसी भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आप देखेंगे तो x कोऑर्डिनेट यहां से लंब डालेंगे तो b ही आएगा, इसीलिए इसको बोला जाता है रेखा x इक्वल टू बी। तो ये सिंपल सा हमारा एक वक्र y इक्वल टू एफ एक्स है जो हमारा x एक्सिस के ऊपर मान लिए हैं, और x इक्वल टू ए एक लाइन है, x इक्वल टू बी एक लाइन है, अब इनके बीच का क्षेत्रफल हमको निकालना है।
तो चूंकि ये वक्र है, अब आपका जो ये जो ये जो बन रहा है ये आपका कोई सिंपल फिगर नहीं बन रहा है। अगर इसको हम लोग नाम दे दें पॉइंट पी, ये क्यू आर एस, तो पी क्यू आर एस आपका कोई सिंपल फिगर नहीं है कि फार्मूला लगा लेंगे। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास जो कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर इस वक्र को हम लोग बहुत छोटे छोटे जो है आयत में विभाजित कर लें, वक्र को बहुत छोटे से, ये समझ लीजिए एक बहुत छोटा सा लेंथ लिया एक्स एक्सिस पे, हमने छोटा सा लेंथ लिया, इसको बोलते हैं डी एक्स, यानी बहुत छोटा सा लेंथ है। तो जब आपका ये वक्राकार है तो इसमें बहुत छोटा सा लेंथ लेंगे तो ये आपका जो है ये वक्राकार नहीं रहेगा, सीधा सीधा आएगा, ठीक। और ये आपका ये डी एक्स है। तो अब यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी इसके सापेक्ष, यहाँ पे जब x की वैल्यू इस वक्र में रखेंगे तो यहाँ पे y की वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो इसका अगर इस छोटे से इसका क्षेत्रफल देखा जाए तो क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा जो छोटा सा क्षेत्रफल होगा dx, तो इसकी चौड़ाई हो गई और लंबाई क्या होगी आपकी वाई, क्योंकि इसको हम लोग क्या मानेंगे वाई, जिस एक्स के लिए यहाँ पे वाई, यानी इसको अगर हम लोग डीए एरिया कहें छोटा सा एरिया, तो जो आपका टोटल जो एरिया हो जाएगा वो आपका इंटीग्रेट हो जाएगा ए टू बी डी ए एरिया, और दिस इक्वल्स टू वाई डी एक्स ए टू बी, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और वाई हमारा क्या होता है एफ एक्स डी एक्स, यानी किसी भी एक्स इक्वल टू ए x इक्वल टू बी और y इक्वल टू एफ एक्स के बीच का क्षेत्रफल जो हम लोगों ने देखा था a टू b एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रल के द्वारा जो है हम लोग जो है रिप्रेजेंट किए थे, और योगफल की सीमा के रूप में हमने ये निकाला था। तो ये हमारा यही आया था फाइनली कि छोटे छोटे इनको छोटे 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 जोड़ दिया जाए तो वाई जो एरिया आपका हो गया, यानी जो एरिया हमारा एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू बी लाइन और वाई इक्वल टू एफ एक्स और एक्स एक्सिस के बीच का जो एरिया हो गया एक्वल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रल, ये हमारा हो गया एरिया। तो इस तरीके से हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं सिंपली, जो किसी भी कोई भी वक्र आपका दिया है और एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू बी और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया। और अगर इसको हम लोग लिखें तो इसको क्या बोलेंगे कि रेखा एक्स इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू बी वक्र वाई इक्वल टू एफ एक्स और एक्स अक्ष के बीच का क्षेत्रफल, तो बीच का क्षेत्रफल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो ये हमारा पहला सिंपल सा पॉइंट मिला। अब इसमें हम लोग एक काम और कर सकते हैं ये एक्स एक्सिस हमारा ये वाई एक्सिस है, ये अपना ओरिजिन है। अगर y इक्वल टू एफ एक्स वहां पे वक्र का दिया था, अगर x इक्वल टू जी वाई दिया, समीकरण दिया हो आपका इस टाइप का कि जो वक्र का जो समीकरण है x इक्वल टू जी वाई, y इक्वल टू एफ एक्स का मतलब कि y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, जैसे y इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, और x इक्वल टू जी वाई का मतलब इस टाइप का दिया हो कि x इक्वल टू थ्री वाई स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस फाइव, इस टाइप का दिया हो। तो ये वक्र हम लोगों ने ये समीकरण आपने सॉरी ये वक्र को आपने प्लॉट कर लिया। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग जो है हॉरिजॉन्टल जो है ये ले सकते हैं, हॉरिजॉन्टल जो है हम स्ट्रिप ले सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में हम लोग क्या करेंगे, वहां पे dx लेंथ का स्ट्रिप माना था, यहां हम लोग क्या मानेंगे dy लेंथ का स्ट्रिप मानेंगे, और जो एरिया आपका होगा ये सपोज कि ये y इक्वल टू सी लाइन है और ये y इक्वल टू डी लाइन है, तो y इक्वल टू सी से y इक्वल टू डी y एक्सिस और x इक्वल टू जी वाई जो है इसके बीच का एरिया हमको पूरा ये एरिया चाहिए हमारा। तो वर्टिकल स्ट्रिप हम लोग ले लेंगे तो यहां से जो y की वैल्यू होगी तो ये लेंथ हमको क्या निकलेगा, ये लेंथ हमारा x हो जाएगा x,
कोई वाई की वैल्यू आप एक पुट करेंगे तो उसके सापेक्ष एक्स की एक वैल्यू आ जाएगी। तो जो एरिया हमारा हो जाएगा, एरिया ए इक्वल टू, ए इक्वल टू सी टू डी, वहां पे हमारा वाई डी एक्स था, यहां पे हमारा हो जाएगा एक्स डी वाई, एक्स डी वाई, और दिस इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं सी टू डी, और x इक्वल टू क्या है हमारा फंक्शन ऑफ y जी वाई डी वाई, तो ये एरिया हो जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या ले लिए, वर्टिकल स्ट्रिप ले लिए, सॉरी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लिए। लेकिन हम लोग आम तौर पे जो है ये हॉरिजॉन्टल जो ये वर्टिकल स्ट्रिप ही लेंगे, ये वाला हम लोग नहीं लेंगे आम तौर पे। तो ये हमारा क्या हो गया, इसको अगर बोला जाए तो वक्र x इक्वल टू जी वाई, रेखा y इक्वल टू सी, y इक्वल टू डी, और y अक्ष के बीच का क्षेत्रफल। तो सिंपली दो पॉइंट हम लोगों ने सीखा, और इसको हम लोग देख भी चुके हैं कि ये हमारा जो है एरिया, एक इसको भी हम लोग बता देते हैं थोड़ा, जो है डेफिनेट इंटीग्रल में देखा था, डेफिनेट इंटीग्रल में, लेकिन दो मिनट लगेगा आप देख लीजिए तो पूरा आपका रिवाइज हो जाएगा। ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, ठीक। ये आपका जो वक्र का इक्वेशन है y इक्वल टू एफ एक्स है, और ये x इक्वल टू a है, और ये x इक्वल टू b है। तो हम लोग इसका अगर क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, हमको ये क्षेत्रफल चाहिए ये, तो हमको पता है कि ये सिंपल वक्र तो है नहीं, तो इसके लिए हमको वही करना पड़ेगा, अपना बहुत छोटी छोटी पतली पतली स्ट्रिप में जो है डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक ऐसी एक पतली स्ट्रिप दिखा रहे हैं, ये पतली स्ट्रिप, ये पतली स्ट्रिप, तो ये हमारा जो होगा ये, तो जब बहुत पतली स्ट्रिप होगी तो ये हमारा आयत बन जाएगा, आयताकार बन जाएगा। तो इसका हम लोग बहुत पतले पतले जो है स्ट्रिप में डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ए जो हमारे यहां पे मान लेते हैं कि x इक्वल टू ए, ये हमारा यहां से x इक्वल टू बी यहां तक हमको निकालना है, तो इसको हम लोग जो है x जीरो से एक्स एन तक n स्ट्रिप, x जीरो हो गया, इसको हम लोग x जीरो मान लिए, और पहला जो स्ट्रिप हमारा मिला, पहला स्ट्रिप मिला ये हमारा x इक्वल टू एक्स वन पे मिला, दूसरा स्ट्रिप हमारा x इक्वल टू एक्स टू पे मिला, और ऐसे 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 लास्ट जो स्ट्रिप हमको मिला ये जो x इक्वल टू, इसको हम लोग क्या माने, x इक्वल टू एक्स एन है, और ये हमारा क्या होगा एक्स एन माइनस वन, यानी जो x इक्वल टू एक्स एन है ये हमारा किसके बराबर है, इक्वल टू b है, और x नॉट हमारा किसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो टोटल देखिए n स्ट्रिप आपका होगा, ये पहला स्ट्रिप हो गया, पहला स्ट्रिप कहाँ x0 से x1 तक, अगला स्ट्रिप x1 से x2, फिर x2 से x3, और लास्ट वाला स्ट्रिप हमारा कहाँ मिला, xn माइनस वन से xn। तो n स्ट्रिप में डिवाइड कर लिया, और n की वैल्यू बहुत ज्यादा है, इनफाइनाइट है, मतलब कि समझ लीजिए 10 करोड़ स्ट्रिप में डिवाइड किया, तो इतना ये छोटा छोटा स्ट्रिप होगा कि सच में आयत ही बनेगा, ठीक है। तो अब इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो ये y इक्वल टू एफ एक्स ये समीकरण दिया है, तो तो हमारे जो स्ट्रिप हो गया वो ए से बी, जो हमारा जो ए से बी जो पूरा जो क्षेत्रफल निकालना था ए से बी, ये हमारा कितने स्ट्रिप में डिवाइड हो गया, एन स्ट्रिप में डिवाइड हो गया, और पहला है हमारा एक्स नॉट से एक्स वन जो पहला स्ट्रिप है, दूसरा स्ट्रिप हमारा एक्स वन से एक्स टू, तीसरा स्ट्रिप हमारा कहां मिलेगा एक्स टू से एक्स थ्री, और लास्ट वाला स्ट्रिप हमारा कहाँ मिलेगा एक्स एन माइनस वन से एक्स एन। ये हमारा कितना है टोटल, ये एन स्ट्रिप है, एन स्ट्रिप में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया।
और ये जो एक स्ट्रिप की जो हमने जो वो मान लिया कि ये एच है, एक स्ट्रिप की चौड़ाई क्या है एच है। तो पहला हमारा कहाँ से शुरू हुआ, एन आठ से शुरू हुआ, एक्स वन हमारा क्या हो जाएगा ए प्लस एच, एक्स टू हमारा क्या हो जाएगा ए प्लस टू एच, क्योंकि एच ये जुड़ के और एच ए जुड़ के ये हमारा क्या हो जाएगा एक्स टू ए प्लस टू एच, एक्स थ्री हमारा क्या हो जाएगा ए प्लस थ्री एच, ऐसे ऐसे अगर एक्स एन हम लोग लिखें तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस एन इंटू एच, ए प्लस एन इंटू एच, ए एक्स एन हो गया, यानी एक्स एन हमारा क्या है बी है, तो बी इक्वल टू हमारा हो जाएगा ए प्लस एन इंटू एच, तो बी माइनस ए बाई एन इक्वल टू हमारा क्या आएगा एच, यानी एच की वैल्यू हो गई बी माइनस ए बाई एन। टोटल लेंथ हमारी क्या है बी माइनस ए, बी माइनस ए लेंथ टोटल हमारी ये बी लेंथ है और ये ए लेंथ है, तो ये लेंथ बी माइनस ए को एन बराबर पार्ट में डिवाइड किए हैं, तो एक लेंथ की जो मोटाई हो गई आपकी कितनी हो गई बी माइनस ए बाई एन। अब इसका अगर एरिया निकालना चाहते हैं सबका, तो सब एरिया का योग कर दीजिए, तो एस एन बराबर जो पहले स्ट्रिप का एरिया होगा आपका चौड़ाई गुणे लंबाई, लंबाई क्या होगी आपकी ये लेंथ और यहां से ये यहां पे जब आप वैल्यू रखेंगे x इक्वल टू एक्स नॉट रखेंगे तो यहां पे आपको वैल्यू क्या मिलेगी f ऑफ x नॉट, और f ऑफ x नॉट क्या होगा ये डिस्टेंस होगा f ऑफ x नॉट, और इसकी जो चौड़ाई है वो क्या हो जाएगी चौड़ाई तो हमारी h ही है, तो जो पहले स्ट्रिप का जो क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई हमारी है f ऑफ x नॉट और चौड़ाई क्या है h। अगला स्ट्रिप जो दूसरा स्ट्रिप है उसकी चौड़ाई क्या होगी f ऑफ x1, x1 रखने पर ये हमारी जो लेंथ हो जाएगा ये लेंथ हमारा है f x1, क्योंकि x इक्वल टू x1 जब रखेंगे आप फलन में x1 तो ये जो लेंथ आएगा हमारा ये f x1 होगा, तो h इंटू एफ एक्स वन प्लस अगला होगा h इंटू एफ एक्स टू प्लस डॉट डॉट। अब पहले स्ट्रिप का क्षेत्रफल मिला है x इक्वल टू एक्स नॉट रखें दूसरे का x1, तो लास्ट वाले स्ट्रिप का जब हम x इक्वल टू एक्स एन माइनस वन रखेंगे तो h इंटू एफ एक्स एन माइनस वन, तो ये हमारा टोटल क्षेत्रफल हो गया। तो ये सम जो टोटल, अब h तो हमारा कॉमन है और h हमारा कॉमन है तो एक्स नॉट हमारा ए है तो ये हमारा हो गया एफ ए प्लस एफ एक्स वन हमारा क्या है ए प्लस एच, एच एच हम तो कॉमन कर लिए, एक्स टू हमारा क्या है ए प्लस टू एच डॉट डॉट एफ, एक्स एन हमारा क्या है ए प्लस एन इंटू एच, नहीं एक्स एन माइनस वन है तो एक्स एन माइनस वन है लास्ट वाला, तो ये हो जाएगा हमारा लास्ट वाला एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। तो इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कुछ कठिनता नहीं है, सिंपल सा है हम लोग का। जो एक क्षेत्र पहला वाला क्षेत्रफल क्या होगा लंबाई लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई हमारी क्या है सबकी h है और लंबाई क्या है x इक्वल टू a वैल्यू रखेंगे तो ये हमारा जो लेंथ आएगा f a यानी f x नॉट ये होगा अगले में ये, तो यही और h की वैल्यू हम लोग लिख देंगे b माइनस a बाई n, तो h की वैल्यू b माइनस a रखने के बाद देखिए हमारे पास क्या मिला, ये जो हो गया ये इसी को हम लोग बोलते हैं a टू b एफ एक्स डी एक्स, इसी को बोलते हैं, और h की वैल्यू b माइनस a बाई n रखेंगे तो b माइनस a और हमारा n की लिमिट क्या कर देंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट हमारा n टेंस टू इन्फिनिटी का मतलब कि n स्ट्रिप की संख्या इतनी ज़्यादा है कि वो लगभग इन्फाइनाइट है, वन बाई n एफ a प्लस एफ a प्लस h प्लस डॉट डॉट एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, यही हमारा क्या है एरिया जो है अंडर द कर्व भी यही हम लोग देख रहे थे कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स यही हमारा कहलाता है। एक पॉइंट हम लोग और देखें कि आपका जो वक्र, अगर आपका जो वक्र है ये एक्स एक्सिस के ऊपर ही हो, ऊपर ही अभी देखे हैं, लेकिन अगर मान ले नीचे हो तो क्या होगा, अगर जो जो कर्व है हमारा जो वाई इक्वल टू एफ एक्स ये हमारा सपोज कि ये कुछ इस टाइप का है और यहाँ से x इक्वल टू दिस से x इक्वल टू दिस ये क्षेत्रफल हमको निकालना है, ये हमारा लाइन है x इक्वल टू ए और ये हमारा लाइन है x इक्वल टू बी,
और ये y इक्वल टू एफ एक्स हमारा वक्र का समीकरण है x y। अब हमको ये एरिया निकालना है, तो ये एरिया निकालने में देखिए अगर आप क्या करेंगे, स्ट्रिप जो है लेंगे तो ये डी एक्स इंटू वाई, तो y तो हमारा क्या होगा, ये y की वैल्यू जो आएगी x की वैल्यू इसके सापेक्ष, y की वैल्यू जो आएगी वो निगेटिव आएगी, तो y की वैल्यू निगेटिव आएगी और dx पॉजिटिव होगा, तो dx इंटू वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, a टू b एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो देखिए डी एक्स पॉजिटिव होगा और एफ एक्स क्या है, निगेटिव है, क्योंकि जिस एक्स के लिए आप वक्र में रखेंगे तो ये आएगा निगेटिव वैल्यू देगा, तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स निगेटिव हो जाएगा। इसीलिए अगर हमको एरिया ही निकालना है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव एरिया नहीं रखेंगे, हमको मैग्नीट्यूड से मतलब है तो इस पर मॉड लगा देंगे, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स मॉडलस लगा देंगे। और सिमिलरली अगर आपका ऐसा है कि कोई वक्र जो है थोड़ा सा x एक्सिस के ऊपर है, थोड़ा सा कहीं पे ऊपर है कहीं पे नीचे है, इस टाइप का क्षेत्रफल कवर कर रहा है, ये हमारा हो गया x एक्सिस, ये y एक्सिस आपका हो गया, तो कुछ इस टाइप का आपका वक्र अगर है, जैसे सपोज करिए कुछ इस टाइप का, और आपको यहाँ से x इक्वल टू a से x इक्वल टू बी यहाँ तक का क्षेत्रफल निकालना है वक्र के बीच में, x एक्सिस के बीच में और वक्र y इक्वल टू एफ एक्स, यानी a टू b एफ एक्स डी एक्स आपको निकालना है। तो ये एरिया हमको पता है और पॉजिटिव होगा और ये एरिया निगेटिव होगा, ये एरिया पॉजिटिव होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे आप जो है, अगर इसको हम लोग एरिया ए वन मान लें और एरिया ए टू मान लें, तो हमारा दिस इक्वल टू क्या जाएगा, जो ए वन एरिया आएगा इसका मॉडलस लेना पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल हमको एरिया क्या चाहिए, धनात्मक ही चाहिए, और इसका मॉडलस लेंगे और इसका तो पॉजिटिव होगा ही, तो उसको मॉडलस लेने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल सा जो हम लोगों का जो कंक्लूजन है, सिंपल सा हम लोगों ने जो देखा क्या है कि अगर आपका कोई y इक्वल टू एफ एक्स आपका कोई वक्र है, y इक्वल टू एफ एक्स जो है कोई फंक्शन दिया हुआ है, और x इक्वल टू a, x इक्वल टू b और x अक्ष और y इक्वल टू एफ एक्स के बीच का क्षेत्रफल, बीच का क्षेत्रफल सिंपली ये क्या होता है, a टू b एफ एक्स डी एक्स होता है। और अगर इसको मैथमेटिकली हम लोग जो है ग्राफिकली दिखाएं तो इसका मीनिंग क्या होता है, मीनिंग ये है कि आपका कोई ये वक्र y इक्वल टू एफ एक्स आपका ये कोई वक्र है, x इक्वल टू a लाइन है ये a, और x इक्वल टू b लाइन है ये x इक्वल टू b, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, तो ये x इक्वल टू a x इक्वल टू b y इक्वल टू एफ एक्स, और इनके बीच का जो एरिया है इसी को हम लोग लिखते हैं a टू b एफ एक्स डी एक्स। और अगर ये आपका जो है ग्राफ x एक्सिस के नीचे है तो एरिया निगेटिव हो जाता है, और इसी को अगर हम लोग जो है अगर ये आपका y के पदों में दिया है x इक्वल टू जी वाई टाइप का फंक्शन दिया है, तो देखिए दूसरा कंक्लूजन हम लोग लिख लेते हैं, ये x एक्सिस है ये y एक्सिस है और आपका वक्र जो दिया हुआ है ये इस टाइप का दिया है x इक्वल टू जी ऑफ y, और आपका ये y इक्वल टू सी लाइन है, y इक्वल टू डी लाइन है, तो y इक्वल टू सी लाइन, y इक्वल टू डी लाइन और y एक्सिस और x इक्वल टू जी वाई के जो बीच का एरिया होगा इसको हम लोग क्या लिखेंगे, जो एरिया a दिस इक्वल्स टू सी टू डी, अब यहां पे एफ एक्स डी वाई है, यहां पे क्या होगा जी वाई, यहां पे डी एक्स था तो यहां पे डी वाई, ये क्षेत्रफल होगा। तो ये हम लोगों का जो है वर्टिकल स्ट्रिप की मदद से निकलता है, इसमें हम लोग वर्टिकल स्ट्रिप लेते हैं, तो वर्टिकल स्ट्रिप में इसका लेंथ हो गया डी एक्स और ये हो गया लेंथ हमारा वाई, तो एरिया वाई डी वाई और वाई इक्वल टू क्या है एफ एक्स है, और इसमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है डी वाई हो जाता है, और ये जो
ये लेंथ होता है वो एक्स हो जाता है। तो ये हमारा कंक्लूजन है। अब इसमें एग्जाम्पल नंबर वन हम लोग देख लेते हैं, अपना जो थ्योरी पढ़ा है हम लोगों ने वो अप्लीकेशन कर लेते हैं। तो लिखा है कि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये वृत्त का आपका क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो इसको हमको पता है इसका जो मूल बिंदु होगा, ये सॉरी इसका जो सेंटर होगा, ये केंद्र, ये 0.0 पे होगा, और जो इसकी त्रिज्या होगी वो कितनी लंबाई होगी, ए, त्रिज्या की लंबाई ए होगी। और वृत्त का क्षेत्रफल वैसे अगर आप जानते हैं कि तो पाई आर स्क्वायर, तो इसका जो क्षेत्रफल अगर डायरेक्टली देखा जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ए जो है इसका केंद्र जो है, सॉरी त्रिज्या ए है, तो क्षेत्रफल पाई ए स्क्वायर। लेकिन इसको हमको मैथमेटिकली निकालना है इंटीग्रल का यूज करके वृत्त का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम लोगों का जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो ग्राफ होता है, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। अब हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर जो वृत्त है, इसका जो सेंटर होगा, केंद्र होगा, वो 0.0 होगा, और ये ए लेंथ का जो ए त्रिज्या का आपका ये वृत्त हो जाएगा। ये हमारा ग्राफ हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वृत्त का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अभी देखिए वृत्त जो है ये चार बराबर पार्ट में जो है डिवाइड हो रहा है, चार बराबर पार्ट में। तो अगर एक का एरिया हमको निकल जाए, एक का एरिया, तो इसी एरिया को हम लोग सिमेट्री से, क्योंकि ये चार, ये इधर का इधर बराबर और ये चारों चार बराबर पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, तो ये एरिया अगर हमको निकल जाए एक एरिया, तो टोटल एरिया निकालने के लिए इसी का चार गुणा हम लोग कर देंगे। तो देखिए हम लोग अब किस पे फोकस करेंगे, ये एरिया, केवल एक पार्ट का एरिया निकालने पे हम लोग फोकस करेंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस। अब एक ही पार्ट का हम लोग बनाते हैं, देखिए ये, चलिए डॉटेड से हम लोग इसको पूरा कंप्लीट जो है वृत्त बना देते हैं, लेकिन हमको जरूरत एक ही पार्ट की है। ये हमारा ओरिजिन हो गया 0.0। अच्छा, ये एक्स एक्सिस पे जहाँ पे कट करेगा, ये एक्स एक्सिस पे ये लेंथ हमारी कितनी है, रेडियस के बराबर है ए, और इस बिंदु पे जो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, वो 0 होगा। तो 0.0 इसका कोऑर्डिनेट होगा। अगर यहाँ की बात करी जाए तो ये हमारा क्या होगा, एक्स वैल्यू 0 है और जो वाई कोऑर्डिनेट है ये ए है। अब इसका क्षेत्रफल आपको चाहिए कि ये क्षेत्रफल, तो ये क्षेत्रफल आपका देखिए दो एक्स इक्वल टू कहां से कहां तक है, एक्स इक्वल टू 0 से एक्स इक्वल टू ए, और इसका समीकरण क्या है, जो ये जो जो ये वक्र है इसका समीकरण क्या है, वाई इक्वल टू एफ एक्स टाइप का अगर लिखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो वाई इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, लेकिन यहाँ पे हमको पता है कि इस कोऑर्डिनेट के लिए वाई पॉजिटिव होगा, तो वाई हम लोग केवल प्लस लेंगे, ये हमारा प्लस वाला हो जाएगा। अगर इसके लिए होता तो माइनस होता, अगर इसका समीकरण लिखा जाता इसका मान लीजिए, तो यहाँ पे y नेगेटिव है, तो y की वैल्यू क्या होती है, माइनस हाफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे जो वक्र का समीकरण है, ये हमारा क्या हो गया, y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये एरिया आपको चाहिए, तो एरिया हमारा सिंपली पता है x इक्वल टू कहाँ से, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू ए तक, एफ एक्स डी एक्स वाई डी एक्स वाई इंटू डी एक्स, यानी 0 टू ए, वाई की वैल्यू हमारी क्या है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। यही इंटीग्रल हम लोग निकाल लें और इसी का चार गुना कर दें तो हमारा जो है रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। तो जो एरिया हमारा जो एक पार्ट का हो गया 0 टू ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रल होता है
ये होगा एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ये हमारा इंटीग्रल होता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। तो इस फार्मूले का यूज हम लोग कर देंगे। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या है, एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो दिस इक्वल टू इसका इंटीग्रल हो गया एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। और इसमें लिमिट हम लोग रखेंगे जीरो टू ए। तो पहले एक्स की जगह पे ए रखेंगे अपर लिमिट, तो ए बाई टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स ए बाई ए। ये तो हम लोगों ने ए रखा, जीरो रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, जीरो ये तो जीरो हो गया, और प्लस ये ए स्क्वायर बाई टू और साइन इनवर्स जीरो। तो दिस जो एरिया हमारा जो एक पार्ट का एरिया हो गया ये हो गया हमारा जीरो हो गया, और प्लस ए स्क्वायर बाई टू और साइन इनवर्स वन, बाकी ये भी जीरो हो गया। तो एक पार्ट का एरिया हमारा हो गया ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स वन का मतलब साइन के कितने एंगल की वैल्यू जो है हमारा वन होता है, तो साइन पाई बाई टू की वैल्यू वन होती है। तो दिस इक्वल टू पाई बाई टू, क्योंकि साइन इनवर्स वन इक्वल टू आपका होता है पाई बाई टू। अब एरिया हमारा ये आ गया, तो वृत्त का जो कुल क्षेत्रफल हो जाएगा वो चार गुना इसी का हो जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, चार गुणे ए यानी चार गुणे ए स्क्वायर इंटू पाई अपान फोर। तो चार चार खत्म हो गया, क्या आ गया पाई ए स्क्वायर। तो जो क्षेत्रफल अपना आ गया वृत्त का पाई ए स्क्वायर, तो आप डायरेक्टली भी वैसे निकालते तो पाई ए स्क्वायर भी आता, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया डेरिवेशन करके निकाल लिया कि क्षेत्रफल हमारा पाई ए स्क्वायर ही आ रहा है।